हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए और वीडियो में। सो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो होता है क्यू एन ए रिलेटिव। जो भी आप लोग यहाँ पे जवाब मांगते हो उनका यहाँ पे आंसर मिलता है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो भी कमेंट करते हैं उनका यहाँ पे सलूशन बताया जाता है। सो दोस्तों, आप लोगों का हक है इस चैनल पर आप लोगों को आंसर जानने की। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, जो क्यू एन ए 7 वीडियो है दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो रिप्लाई कर चुका था, यहाँ पे आप लोगों को जो नीचे कमेंट हो चुके थे क्यू एन ए 6 तक, अब ये क्यू एन ए 7 है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो भी कमेंट करते हैं तो यहाँ पे ये वीडियो होता है, इस पर कमेंट किया है अरुण जी ने। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए जो आप लोगों को कमेंट की रिप्लाई मिलेगा वहाँ पर होगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको यहाँ पर नीचे एक लिंक मिलेगा, जो हम कमेंट करेंगे उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो में इंटर हो जाओगे। वीडियो से जैसा कि ये चल रहा है तो इसमें आप लोग देखोगे तो इसमें जो है आप लोगों को सलूशन मिल जाएगी, आप लोग ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे चलिए आप लोगों को क्यू एन ए 7 स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट अरुण कुमार जी है। हेलो सर, मेरे आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, अब क्या करें? अगर जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो उसको आप लोग जनसेवा केंद्र में करवाइए, अरुण कुमार जी। नेक्स्ट कमेंट दीपांशु, तो इनको थैंक यू। अगला कमेंट राकेश राव, सर मेरा नाम राकेश राव है, मैं रिन्यूअल फॉर्म भर रहा हूँ सेकंड ईयर का, उसमें आधार नंबर से आधार नेम से मैच नहीं कर रहा है, आधार में नेम राव राकेश है, क्या रजिस्ट्रेशन में चेंज हो सकता है, प्लीज हेल्प। तो आप ऐसा करिए राकेश राव, अपना जो नाम है वो आधार में चेंज करवा लीजिए अपनी मार्कशीट से। अगर जो आप लोगों की 10th की मार्कशीट में राकेश राव है, उसी को देखते हुए आपका आधार चेंज हो जाएगा। जनसेवा केंद्र में जाइए, अपना नाम चेंज करवा लीजिए तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो राहुल, थैंक यू, इनको मोस्ट वेलकम। आशीष साहू, आईएफसी कैसे चेंज करेंगे, मेरा बैंक चेंज हो गया, आईएफसी चेंज नहीं हो रहा। तो आपका बैंक अगर जो चेंज हो रहा है तो जो बैंक आपने डाला होगा उसमें ऑटोमेटिक आईएफसी कोड वो सिलेक्ट होके आ जाता है, ठीक है आशीष साहू, तो आप चेक करिए होके आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट EC30 मोहित, थैंक यू सर, तो उनको मोस्ट वेलकम। ये ऐसे बंदे हैं जो यहाँ पे मेरे हर एक वीडियो पे शायद कमेंट करते हैं, तो मेरा दिल खुश हो जाता है, इनको तो ऐसा गिफ्ट देना चाहिए, बढ़िया बात है, जो भी कमेंट अच्छी बात है। और नेक्स्ट कमेंट सर 30 EC मोहित फिर से, सर एक डाउट कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसी नोटिफिकेशन को नहीं लिखी है एक्सपायरिड सर्टिफिकेट चलेगा? तो एक्सपायर सर्टिफिकेट बिल्कुल चलेगा, ठीक है। आपका यहाँ पे 2017 का है, रिन्यूअल फॉर्म वालों को चल रहा है, रिन्यूअल वाले स्टूडेंट EC30 से मोहित। सर मेरा इनकम सर्टिफिकेट चेंज के बाद ग्रीन टिक नहीं हो रहा है, तो इनका नहीं हो रहा है तो आपका 2017 का चलेगा EC30 मोहित जी। नेक्स्ट कमेंट राहुल जायसवाल, सर स्क्रूटनी का रिजल्ट फाइनल लॉक करने के बाद आता है या पहले? स्क्रूटनी का रिजल्ट जब यहाँ पे आप फाइनल कर देते हो, फाइनल यहाँ पे सबमिट, तो उसके बाद आपका आता है स्क्रूटनी का रिजल्ट, ठीक है राहुल जायसवाल। नेक्स्ट कमेंट ओके थैंक यू। नितिन कुमार, सर बैंक अकाउंट आईएफसी कोड कैसे चेंज करें? तो जब आप नवीनी पत्र को संशोधित करते होगे उस पर जाके आप अपडेट करिए तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे 16 IME, सर मेरा पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टेट है, नवीनी पत्र को संशोधित के टाइम इनकम सर्टिफिकेट का क्रमांक तो रिन्यू हो गया, पर इनकम सर्टिफिकेट आवेदन संस्था ब्लैंक आ रहा है, जांच हेतु प्रिंट में भी ब्लैंक आ रहा है, जबकि पिछली बार सही भरे थे, तो इनका
जो इनकम सर्टिफिकेट है डाला है, क्या करूं? तो आपका अगर जो इनकम सर्टिफिकेट ब्लैंक आ रहा है, तो आप जब फाइनल प्रिंट करोगे, फाइनल सबमिट करोगे, तो उसके बाद नवीनी पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन आएगा, तो उसमें संशोधित कर सकते हो। अगर जो संशोधित नहीं होता तो जो करेक्शन आएगा नवंबर में उसमें कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट, जिनका ब्लॉक हो गया है वो क्या करें? जो ब्लॉक हो चुका है वो 7 डेज इंतज़ार कर लें, 5-6 दिन, तो उसका सही हो जाएगा। आर्या एजुकेशन न्यू। नेक्स्ट कमेंट, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। रोहित चौरसिया, हमारा अपडेट क्यों 7 दिन हो गया है, कब सही होगा? तो इनका 7 दिन अगर जो हो चुके हैं, तो रोहित चौरसिया जी बता दें आपको और वेट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि आपने ऑनलाइन अपडेट किया है। अगर जो आप कोई जनसेवा केंद्र में अपडेट करवाते तो वहाँ पे 1 दिन में हो जाता है, ठीक है। तो ऑनलाइन में इसमें टाइम लगता है, वहाँ भी ऑनलाइन होता है, यहाँ भी ऑनलाइन होता है, लेकिन वहाँ पे जनसेवा केंद्र में ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट जो है प्रेफर करती हैं, तो वहाँ जल्दी हो जाता है, तो ऑनलाइन में टाइम लगता है, ठीक है। आप अदर से करोगे। अतुल विश्वकर्मा, भाई मेरा 12 दिन हो गए, मैं भी 10 दिन हो ज़्यादा हो गए, तो इनका अगर जो 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो इसको जो है आप कांटेक्ट करिए समाज कल्याण से, ठीक है। अतुल विश्वकर्मा, अगर जो आपको 10 दिन हो चुके, 12 दिन, आशीष में 12 दिन हो गया, अरे भाई कब से लागू होगा? बिल्कुल ये लागू होगा नियम, विकास सिंह, बिल्कुल लागू होगा। ये कुछ स्टूडेंटों को मिल चुका है, अगर जो आपको नहीं मिला तो आप चेक करते रहिए, मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट, आयुषी कपूर, सर मेरे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो नंबर खो गया है, मेरे आधार अपडेट के लिए अप्लाई करा, बट प्रोसेस में तो मैं क्या करूं? जो आधार नंबर पे है उसी से लॉगिन करूं कर लूं, बट वो नंबर है नहीं मेरे पास, प्लीज़ रिप्लाई मी सून एज पॉसिबल। तो आयुषी कपूर जी, आपको क्या करना है, आपको जो मोबाइल नंबर है पास में, उसको आप आधार कार्ड में जनसेवा केंद्र में जाइए, अपडेट करवा लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपका OTP जाएगा, आयुषी कुमारी, तो आपका वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट, सत्यम कुमार, भैया प्लीज़ टेल मी, पंजीयन क्रमांक में 82 का रोल नंबर डालना है कि इनरोलमेंट नंबर? तो पंजीयन क्रमांक के 82 का रोल नंबर नहीं, इनरोलमेंट नंबर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट, भाई फॉर्म भर रहा हूँ, उसमें कोर्स सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं खुल रहा, तो आपका अजयदीप कोर्स नहीं सिलेक्ट हो रहा, तो आप जांच हेतु प्रिंट करिए, तो आपका कोर्स अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट, दीपक सिंह, सर मेरा 2nd ईयर में हूँ, रोल नंबर रॉन्ग था, तो अब रिन्यूअल फॉर्म में रोल नंबर चेंज हो जाएगा, प्लीज़ टेल मी। अगर जो आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, रोल नंबर नहीं, तो अगर जो आप लोगों का इनरोलमेंट नंबर पिछली बार जो 1st ईयर में भरे हो गए, 2nd ईयर में शायद है नहीं चेंज हो, ठीक है, तो आपका वही रहेगा, दीपक सिंह। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे, MR हीरो, कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मैंने भी यही गलती की थी, मेरे पास सलूशन है, अगर किसी को जानना है तो मुझे रिप्लाई दें, 100% गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो फ्रेश डालना पड़ेगा। कैसे होगा, 10th की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड की और प्लस फोटो कॉपी, जो प्रॉब्लम शो हो रही है उसकी फ़ोटो कॉपी, थंबनेल में जिस तरह से का है लेके, जिसमें कॉलेज उस जिले के विकास भवन के कार्यालय में जाना होगा, और जिस कास्ट से हो उस कास्ट के में जाना, और कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये बता रहे हैं कि आप समाज कल्याण में जाइए, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
तो ऐसा हो भी सकता है। यार भूल गया था, जयदेव वर्मा, मैंने आधार ने नाम में कास्ट लगाई थी। कांड हो गया, अब क्या करें, इनने आधार में कास्ट लगा दी। तो आपका जो अगर जो फाइनल प्रिंट नहीं किया है जयदेव वर्मा तो आपका सही हो जाएगा, अगर जो नहीं। भाई मैंने पुराना आधार देख के सही सोच के नंबर डाल दिया, मुझे याद ही नहीं पिछले साल मैं नेम में चेंज करवाया था। थैंक यू सर मोस्ट वेलकम, डाउट क्लियर करने के लिए। संदीप नाय, सर मैंने फर्स्ट ईयर में जो फॉर्म भरा था उसमें एक ही ट्यूब पर करना था, उस पर यस हो गया था, वो चेंज नहीं हो रहा है, उसको कैसे चेंज करें, उसको नंबर करना है। तो आपका फ्रेश होता तो उसमें सेलेक्ट हो जाता, लेकिन रिन्यूबल में जो है काफ़ी ऑप्शन आपके सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे, तो आप में इसमें जो है स्कॉलरशिप नहीं रोकेगी आपकी। संदीप नाय जी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट ज्ञान भंडार, सर पाठ्यक्रम वाला नहीं खुल रहा है, इसका क्या मतलब है, प्लीज़ रिप्लाई। तो ज्ञान भंडार जी, अगर जो आपका पाठ्यक्रम वाला जो है ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो इसमें जो है आपका जब यहाँ पे जांच हेतु प्रिंट करोगे तो आपका सिलेक्ट होके आ जाएगा, तो आप जांच हेतु करिए क्योंकि डेट भी निकल रही है यहाँ पे। तो इन्होंने बहुत कमेंट किए, मैं समझ सकता हूँ। पुष्पेंद्र सूर्यवंशी, गुड इन्फॉर्मेशन, तो इनको थैंक यू। नेक्स्ट दीक्षांत तिवारी, अपडेट नेम फॉर आधार ऑथेंटिकेशन क्या होता है। इसमें ये होता है कि आप नेम चेंज करोगे, नेम अपडेट करोगे तो इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन इसमें काफ़ी स्टूडेंट फंस भी जाते हैं, तो आप इसे मत करिए, आप जन सेवा केंद्र में अपडेट करवा लीजिए। नेक्स्ट कमेंट हर्षित राज, सर ब्रांच और कोर्स सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो ब्रांच कोर्स सिलेक्ट नहीं हो रहा तो जांच हेतु आप करोगे तो उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट शिवम वाजपाई, भाई मैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरव्यू फेयर का रजिस्ट्रेशन करा, अब पासवर्ड भूल गया हूँ, अब पासवर्ड कैसे पता करें। तो आप पोस्ट मैट्रिक का इंटरफेस किए हो तो उसमें आपका पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट करके आप पासवर्ड दूसरा नया बना लीजिए रजिस्ट्रेशन डाल के, हाई स्कूल का इंटर का आप लोगों का रिजल्ट लगेगा। शिवम वाजपेयी जी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट टैच इनपो, सर अभी कॉलेज का रिजल्ट नहीं आया तो हार्ड कॉपी और फाइनल सबमिट इंस्टीट्यूट में कैसे जमा करें। अगर जो आपका रिजल्ट नहीं आया तो टैच इन्फो जी, आप नोट रेट डिक्लेयर रिजल्ट करके आप अपना कॉपी जो है जमा करिए, आपने जो है भी है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, सर अभी कॉलेज के रिजल्ट, तो हाँ आप नोट रेट डिक्लेयर करके रिजल्ट अपना जो भी फॉर्म है उसको आप अपने कॉलेज में जमा करिए, कॉलेज आपका कर लेंगे। सर मैं हाई स्कूल CBSE बोर्ड से हूँ इसलिए स्क्रूटनी रिजल्ट में हाई स्कूल का रिजल्ट करेक्ट नहीं दिखा रहा, तो आपको हम बता दें जो टेस्ट इन्फो, आप 5-6 दिन वेट कर लीजिए, तो आपने अगर जो सही भरा है अनुक्रमांक तो आपका ज़रूर यहाँ पे वेरीफाई होगा, रोल नंबर सही भरा है, सब कुछ डिटेल सही भरा तो आपका ज़रूर यहाँ पे सही होगा, करेक्ट होगा, तो आप 5-6 दिन वेट कर लीजिए टेस्ट इन्फो। नेक्स्ट कमेंट विनय यादव, सर ये ऑप्शन हट गया है, मैंने आज देखा है फॉर्म उसमें यह लिंक रेड हो गया है, खुल नहीं रहा है, क्या ऑप्शन हट गया है। तो अगर जो आपका रेड जो है ऑप्शन आ रहा है तो आपका हट गया होगा, सर मेरे ऑप्शन खुल नहीं रहा है, रेड लिंक आ रहा है। तो अगर जो इनका रेड लिंक आ रहा है कुछ तो लिखा होगा। टैचंगल साहब पर वीडियो कटा है क्योंकि बैंक वाले पेज के बाद सबमिट नहीं हो रहा है, तो आपका हम बता दें टेक्निकल साहब, आप जो है ऐसा करिए जो बैंक सेलेक्ट करते होगे, बैंक नंबर भरते होगे तो आपका फिर से वही सेलेक्ट आता होगा, तो आप
नवीनी पत्र को संशोधित करो, उसके उस पर जाओगे, उसके बाद आप बैंक अपडेट करने के बाद आपको बैंक पे नहीं जाना, एक अदर ऑप्शन पे जाना है, दूसरे ऑप्शन पे जाना है। एक वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा बार बार बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करने में, आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आप वीडियो मेरी लिस्ट में देखिए, वो वीडियो पढ़ा है उसमें, आप देखिए उसमें आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बार बार बैंक आ जाता है, आपका अपडेट नहीं होता, वो वीडियो देख के आप अपडेट कर लीजिए टेक्निकल साहब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नवेंद्र मिश्रा, नो सर हो नहीं रहा है, तो आप वेट कर लीजिए, मैं 3 दिन से पहले ब्लॉक हुआ था, अभी तक अनब्लॉक नहीं हुआ, तो आप और वेट कर लीजिए। विश्वासी दोस्त भाई, अगर पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो तो कैसे भरें? आपका अगर जो पिछले साल का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप ढूंढिए अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। विश्वासी दोस्त जी, नेक्स्ट कमेंट, नाइस वीडियो, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। श्वेता मौर्य, आधार वेरिफिकेशन वाले में जो कैरे पॉइंट विविधता की स्थिति में नेम चेंज वाला जो पॉइंट है उसमें मेरा नेम हाफ आ रहा है, तो कैसे वो करेक्ट होगा सर प्लीज़? अगर जो आपने अभी फाइनल नहीं किया है तो आपका अभी करेक्ट हो जाएगा, नवीनी पद को संशोधित करें पे क्लिक करके आप लोग अपडेट कर सकते हो श्वेता मौर्य जी। नेक्स्ट कमेंट, सद्दान हुसैन, सर आप ये बता दीजिए अगर इनकम सर्टिफिकेट चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, हम उसको कैप्चा डालने के बाद सबमिट हो गया और फाइनल प्रिंटर ने, तो क्या गलत हो जाएगा सर? अगर जो आप चेंज नहीं कर पा रहे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछला ही इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है, ठीक है सद्दान हुसैन जी। जैस अहमद, सर आधार नंबर फिल कर रहा हूँ तो ओटीपी नहीं आ रहा, तो आपका ओटीपी किसी दूसरे नंबर पे जा रहा होगा जैस अहमद, तो आप देखिए जो भी नंबर है आपके पास उसको अपडेट करा लीजिए, तो उसमें ओटीपी चला जाएगा। नेक्स्ट कमेंट, सब रॉयल बॉयज, सर मैंने जांच हेतु उपरांत सबमिट कर दिया पर ये इनकम सर्टिफिकेट एडिट ही नहीं हो रहा है, तो जांच हेतु आपने जो है किया होगा नवीनी पत्र को यहाँ पे संशोधित, सॉरी प्रारंभ वक्षों को संशोधित किया होगा, तो आपका नहीं हो रहा, तो पिछला ही रजिस्ट्रेशन, सॉरी पिछला ही आपका इनकम सर्टिफिकेट चल रहा है तो वही चलेगा। साब रॉयल वॉइस ही आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, भले वो एक्सपायर हो चुका है 2017 का, ठीक है। नाइस, थैंक यू सर। कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो कोर्स सेलेक्ट नहीं रहा, आप वेट कर लीजिए अपना जांच हेतु, या तो आप प्रिंट करिए तो आपका सेलेक्ट होके आ जाएगा। बंकर बिहारी पांडे जी, भाई मेरा आधार नंबर नहीं लग रहा है फॉर्म में, आपका आधार नंबर नहीं लग रहा है तो आप डालिए, जरूर लगे। नेक्स्ट कमेंट, अमन गुप्ता जी, मेरा स्कॉलरशिप आधार कार्ड प्रमाणित में डेट ऑफ बर्थ नो मैच बता रहा है, हाई स्कूल और आधार में डेट ऑफ बर्थ सही है? अगर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच कर रहा है तो आप चेक करिए आपकी मार्कशीट में, आपके इंटर की मार्कशीट में आपकी, और या फिर आधार कार्ड में, दोनों में डेट ऑफ बर्थ सही है। अगर जो सही है तो मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर जो कुछ भी आप लोगों को दिक्कत समझ में आती है अमन गुप्ता जी, तो अपडेट कर लीजिए आप आधार, ठीक है। स्कॉलरशिप डेट, नेक्स्ट कमेंट, हिना गौर, हाई स्कूल नेम नहीं आ रहा, तो हाई स्कूल का आपका नेम नहीं आ रहा तो इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। या हिना गौर जी, जो आप काफ़ी स्टूडेंटों का नहीं आ रहा है तो आप प्रिंट कर लीजिए, अपना फॉर्म स्कूल में जमा कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट, राहुल शाह, भाई इसमें इनरोलमेंट नंबर डालना है ना या रोल नंबर? तो नहीं, आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है, रोल नंबर नहीं डालना राहुल शाह। नेक्स्ट कमेंट, हेमंत शर्मा, अरे सर एक छोटा सा डाउट है, मुझे प्लीज़ क्लियर करो, मेरा बैंक ओरिएंटेड, हाँ इनको मैं इनको जवाब दे चुका हूँ, इनको जवाब दे चुका हूँ मैं, इनको बता चुका हूँ, जो प्रेजेंट में है वही डालिए हेमंत शर्मा जी। नेक्स्ट कमांड, दया शंकर शर्मा, भाई मैंने विदाउट कॉल
किए हुए ऑथेंटिकेशन काम कर ली है, रिफ्रेश करके विदाउट कॉल किए हुए ऑथेंटिकेशन कर लिया, तो अगर जो 9th-10th का है तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पलटेचनोलॉजी, ये क्या है, मेरा 1 month से ज़्यादा हो गया है, अगर जो इनका 1 month जिस ज़्यादा हो गया है पलटेचनोलॉजी, तो आप जो है अपना समाज कल्याण में जाइए तो आपका सलूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट कमेंट मोंटू चौहान, सर करेक्शन डेट आएगी या नहीं? अभी मैंने एनरोलमेंट अब गलत भर दिया है, कॉलेज कोड पड़ गया है और प्रमोट की जगह पास हो गया है, स्टेटस सब ये यस यस हो गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इन आपका स्कॉलरशिप नहीं रुक जाएगा मोंटू चौहान जी, आपने एनरोलमेंट नंबर अलग गलत भर दिया है हालांकि, लेकिन आपका नवंबर में करेक्शन आए तो कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। रोहित कुमार श्रीवास्तव, सर मैंने आय निवास 2019 का है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बीए थर्ड ईयर में इनकम सर्टिफिकेट नंबर कैसे चेंज करें? तो इनकम सर्टिफिकेट 2017 का रिन्यूअल फॉर्म में चल रहा है तो वही चलेगा रवि किस्म, ठीक है। बहुत बढ़िया था, थैंक यू इनको। ग्रीस क्लब, सर ये बाला कॉरम करने के बाद से आता है फिल करने को, बैंक अकाउंट नंबर फिल कर दिया फिर भी, तो आपको जो है एक वीडियो मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट में वीडियोस की, बार बार बैंक नंबर भरने के बाद वही आ जा रहा है, तो वो देख के आपका सॉल्व हो जाएगा। गर्ल्स क्लब, नेक्स्ट कमेंट जो है अमन सिंह, भाई मेरे पास भी यह मॉडल है, तो इन्होंने लैपटॉप लिया था जो मैंने, इनके पास भी मॉडल होगा। आलोक वर्मा, सर 12 का फ्रेश स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरें? क्योंकि मुझे कॉलेज नेम चेंज करना है, रिन्यूअल में कॉलेज नेम चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका अगर जो कॉलेज चेंज नहीं हो रहा है तो रिन्यूअल करिए आलोक वर्मा जी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फ्रेश भी नहीं भरेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी दिखाएगा ऑलरेडी और फिलअप फॉर्म, ठीक है। तो आप जो है कॉलेज उसको बना रहने दो, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको हो सकती है, आप अपना जो भी है अपना चेंजमेंट जो है उसको कॉलेज में दिखाइए, वे लोग आप लोगों का जो भी नोटिस है वो इसको समाज कल्याण को भेजेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कमेंट चंद्रवीर सिंह, सर अगर आधार कार्ड में और आय प्रमाण पत्र में सरनेम अलग अलग है तो ये क्या है, आय प्रमाण पत्र बन जाएगा या नहीं? अगर जो आपका अलग अलग है तो आय प्रमाण पत्र बन जाएगा, लेकिन आपको अलग अलग नहीं करवाना, सेम करवाना है। अगर आधार कार्ड में और आय प्रमाण पत्र में सरनेम अलग अलग हो तो प्रमाण पत्र बन जाएगा या नहीं, सेम करवाना, ठीक है। नवीन कुमार, आधार लिंक मोबाइल गलत हो गया है, आधार OTP वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, क्या करें, प्लीज़ हेल्प। तो आप जो है जो भी मोबाइल नंबर है आपको OTP जाता होगा, वो आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप ऐसा करिए, जन सेवा केंद्र में जाइए, अपना मोबाइल नंबर जो आपके पास है वो अपडेट करवा लीजिए। नवीन कुमार जी, नेक्स्ट, सर मेरा फ़ोन ब्लॉक हो गया है क्या करें? तो आपका ब्लॉक हुआ है तो आप 4-5 दिन वेट कर लीजिए, सही हो जाएगा। सूरज यादव, सर मेरा भी 3 बार हो चुका है लेकिन अभी नहीं हुआ, तो आप वेट कर लीजिए क्योंकि आपको 6 चांस अभी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सर, 16 दिन हो गया बट अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो आप या ऐसा करिए अपने समाज कल्याण में जाइए या फिर कॉलेज में जाइए, तो आप अपनी दिक्कत जो है जो भी है स्क्रीनशॉट वगैरह जो प्रॉब्लम है उसको दिखाइए, तो आपका आदित्य कुमार जी सही सॉल्व हो जाएगा। नवीन शर्मा जी, सर मैं BSc फर्स्ट ईयर दूसरे कॉलेज से किया था और उसकी स्कॉलरशिप भी आई थी, अब मैं दूसरे कॉलेज से BSc कर रहा हूँ, अब जब मैं स्कूल उसका भर रहा हूँ तो रिमूवल में कॉलेज नेम कोर्स नेम चेंज ही नहीं हो रहा, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप या तो जो है ऐसा करिए अपने कॉलेज में बताइए जिसमें पढ़ रहे हो,
तो वे नोटिस लिखेंगे समाज कल्याण को, समाज कल्याण में लिखने के बाद जो कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उसमें जो है उनका नोटिस एक्सेप्ट होगा, तो आपका यहाँ पे जो रिन्यूअल फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो स्कॉलरशिप आप लोगों की आ जाएगी। नवीन शर्मा जी, अभिषेक राजपूत, मेरी बी कॉम इस ईयर कम्प्लीट हो गई है, अब मैं एम कॉम करने जा रहा हूँ। मैंने बी कॉम में फॉर्म भरा था, अब मुझे एम कॉम में रिन्यूअल करना होगा फॉर्म या न्यू भरना होगा? आपने बी कॉम किया है, ठीक है, अब आप एम कॉम करना चाहते हो तो आपको रिन्यूअल करना नहीं होगा, आपको फ्रेश करना होगा, क्योंकि बी कॉम अलग होता है, रिन्यूअल अलग, एम कॉम अलग होता है। अगर जो सेम कोर्स हैं तो आप रिन्यूअल करिए, अगर जो अलग अलग कोर्स हैं, ठीक है, डिफरेंस है, तो आप फ्रेश करिए। अभिषेक राजपूत, रिशु सिंह, सर मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, UP2 में ऑप्टेनिट मार्क भरे हैं और रैंक भरे, बीटेक फाइनल ईयर का हूँ, स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। UP2 को ऑप्टेनिट मार्क भरे हैं तो कोई दिक्कत की तो बात नहीं है इसमें। रिशु कुमार जी, नेक्स्ट कमेंट है, वाह सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। नए वाला ऐड नहीं हो रहा, तो 2017 का ही चल रहा है यहाँ पे राज सिंह, ठीक है, तो ऐड नहीं होता होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो आपका जो 2017 का है वही चलेगा राज सिंह। तो आई होप आप लोगों को Q&A 7 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप लोगों के जवाब भी मिल चुके हैं पूरे। सो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंटों को यहाँ पे जो भी कमेंट किए थे, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।